नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। हिमाचल प्रदेश में चुनावों के लिए वोटिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपील की कि पिछली बार से ज्यादा वोटिंग करो। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस वोटिंग का क्या फायदा है जब आपकी पॉलिटिकल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी दंगाइयों के रिश्तेदारों को पुरस्कृत करती है? ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद में तेरे। आपके सामने दो खबरें एक के बाद एक। यहां पर आप देख सकते हैं पायल कुकरानी को अपनी मां रेशमा के साथ। आप जानते हैं पायल कुकरानी कौन है? पायल कुकरानी नरोदा पाटिया से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है। अब आप कहेंगे उनकी क्या खास बात है? उनकी खास बात यह है कि नरोदा पाटिया में 2002 को जो नरसंहार हुआ था, जिसमें 97 लोगों की मौत हुई थी, 97 लोगों को दंगे में मार दिया गया था, पायल कुकरानी बेटी हैं जो दंगों का गुनहगार था, आरोपी नहीं गुनहगार, और इस वक्त वो बेल पर रिहा है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो लोग हिंसा में शामिल थे, जो दंगाई थे, उन्हें इस तरह से इनामित किया जा सकता है और जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उल्टा जनता उन्हें छप्पर फाड़ वोट देगी। यहां सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, यह करारा तमाचा है सभ्य समाज के मुंह पर कि जो लोग हिंसा में शामिल थे उनके रिश्तेदारों को इस तरह से पुरस्कृत किया जा रहा है। और मुद्दा सिर्फ एक नहीं है। आपके स्क्रीन पर सी के राहुल जी, आप जानते हैं कौन है? ये गोधरा से विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर इन्हें टिकट दिया है। ये कौन है आप जानते हैं? जब बिल्किस बानो के 11 गुनहगारों को रिहा कर दिया गया था, तब इसी विधायक ने कहा था कि भाई ब्राह्मण लड़के हैं, ब्राह्मण लोग तो संस्कारी होते हैं, ब्राह्मण लोग कोई गुनाह नहीं करते हैं। ये वही सी के राहुल जी हैं और इन्हें एक बार फिर टिकट मिला है गोधरा से। मामला क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन्स पर। दोस्तों, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण बताने वाले बीजेपी नेता को गुजरात में अगले माह होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए टिकट दे दिया गया है। गुजरात के पूर्व मंत्री चंद्र सिंह राउल जी को गोधरा से बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है। वे 6 बार से गोधरा से विधायक हैं। चंद्र सिंह अगस्त 2017 में पिछले गुजरात से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शिफ्ट हुए थे। वे गुजरात सरकार की उस कमेटी का हिस्सा थे जिसने बिल्किस बानो से बलात्कार और उसके परिवार के 9 लोगों की हत्या के 11 दोषियों की रिहाई के पक्ष में सर्वसम्मति से फैसला दिया था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा इस शख्स ने कहा क्या था आपके स्क्रीन्स पर। वे ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को अच्छे संस्कार के लिए जाना जाता है। हो सकता है यह उन्हें दंडित करने का किसी का गलत इरादा हो। जब अच्छे व्यवहार के लिए उन 11 लोगों को रिहा कर दिया गया था, और बावजूद इसके कि उनकी रिहाई का विरोध सीबीआई ने किया था, सिविल जज ने किया था और स्पेशल ब्रांच पुलिस ने किया था, बावजूद इसके उन्हें रिहा कर दिया गया था और उन 11 गुनाहगारों को अच्छे संस्कार के ब्राह्मण बताया जा रहा है। तो दो खबरें आपके सामने, सी के राहुल जी को टिकट मिल गई और पायल कुकरानी, जो नरोदा पाटिया मैसेकर में वो व्यक्ति जो कि गुनाहगार था, उसे भी टिकट दी गई है नरोदा पाटिया से। भारतीय जनता पार्टी खुलेआम इस सब समाज के मुंह पर तमाचा मार रहा है, ये जानते हुए कि ये तमाम हरकतें करके उसे वोट्स मिलेंगे। चलिए, ये बात तो हुई गुजरात की। आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश में चुनाव के दौरान गृह मंत्री खुलेआम जनता के सामने राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाते हैं और जिस तरह से उठाते हैं उनका मकसद साफ था, जनता को भड़काओ, बाबर का नाम लो, राम जन्मभूमि का जो हिंसक इतिहास रहा है जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं उसका जिक्र करो। उन्होंने ये भाषण दिया था, एक बार फिर उस भाषण को सुनते हैं। मुझे आप बताइए, आप सभी लोग चाहते थे या नहीं चाहते थे कि जहां श्री राम का जन्म हुआ वो अयोध्या में भव्य मंदिर फिर से एक बार बन जाए?
चाहते थे या नहीं चाहते थे भाई, चाहते थे या नहीं चाहते थे, ऊपर बोलो भाई। माताओं, भाइयों, बहनों, बाबर ने तोड़ा तब से लेकर आज तक लाखों लाखों लोगों ने ये हमारे तीर्थ क्षेत्र के लिए, श्रद्धा के केंद्र के लिए अपनी जान आहुत की। और ये कांग्रेस पार्टी 75 साल होने आए राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने नहीं देती थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की नींव डालने का काम कर दिया। सुना आपने, चुनाव आयोग ने उनके इस भाषण पर चूं तक नहीं बोली। कायदे से साफ तौर पर यह आचार संहिता का उल्लंघन था। और यही नहीं, देखिए यहां पर उन्हें त्रिशूल दिया जा रहा है एक मंच पर, यानी कि एक धार्मिक चिन्ह दिया जा रहा है एक मंच पर। मैं एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है? या अब भी चुनाव आयोग आंखें बंद करते हुए इस तमाशे को देखती रहेगी? वैसे आप लोगों को क्या लगता है, ये जो मैंने मुद्दा उठाया है, भारतीय जनता पार्टी मुझसे नाराज होगी? बिल्कुल नहीं, वो तो चाहती है कि मेरे जैसे पत्रकार इन मुद्दों को उठाएं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जब ये मुद्दे उठाए जाएंगे तो हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा होगा और उन्हें वोट्स मिलेंगे। मगर मैं ये मुद्दा, जाहिर सी बात है, उस वजह से नहीं उठा रहा हूं। मैं ये मुद्दा उठा रहा हूं क्योंकि ये इंसानियत का अपमान है, ये इंसाफ के साथ ना इंसाफी है, ये एक सभ्य समाज के मुंह पर तमाशा है। मैं ये मुद्दे इसलिए नहीं उठाना बंद कर दूंगा क्योंकि इससे बीजेपी को चुनावी फायदा हो रहा है। हां, गोदी मीडिया इसे बिल्कुल अलग अंदाज में उठाता है। गोदी मीडिया का मकसद साफ तौर पर, जिस तरह से वो मुद्दे को उठाता है, उसे समाज के अंदर मुद्दों को भड़काना है और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर इस तरह से अगर दंगाइयों के रिश्तेदारों को इनामित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा, तो सभ्य समाज खामोश कैसे बैठेगा? जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कह रही है पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनीत आपके स्क्रीन पर? वो कह रही हैं, 11 बलात्कारियों और हत्यारों की रिहाई की सिफारिश भाजपा के विधायकों ने की, मोदी जी के गृह मंत्री अमित शाह ने रिहाई की स्वीकृति दी, चंद्र सिंह रावल जी भाजपा के उम्मीदवार घोषित हुए, इन्होंने रिहाई की सिफारिश की थी और बलात्कारियों को संस्कारी बताया था। क्रोनोलॉजी समझिए। करारा हमला यहां पर सुप्रिया श्रीनेत बोल रही हैं भारतीय जनता पार्टी पर। मगर मैं सुप्रिया श्रीनेत से एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। आप जानते हैं न्यूज 18 की यह खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर, कांग्रेस चूजेस जगदीश टाइटलर अक्यूज्ड ऑफ रोल इन दिल्ली रायट्स एंड 1984 रायट्स इन इट्स कमिटी फॉर दिल्ली म्युनिसिपल इलेक्शंस हैज स्पार्क्ड अ ह्यूज कंट्रोवर्सी। वो जगदीश टाइटलर जिनका किरदार बताया जाता है 1984 के दंगों, 1984 के सिख नरसंहार में, उन्हें दिल्ली में जो एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं उस समिति के लिए कांग्रेस ने चुना है। अब मैं पूछना चाहता हूं, इस पर सुप्रिया श्रीनेत क्या कहेंगी या इस पर कांग्रेस क्या कहेगी, बताइए। जगदीश टाइटलर को आखिर जगह कैसे मिल सकती है जबकि हम उनका एक इतिहास जानते हैं 1984 के दंगों में? अब यह सवाल तो जरूर उठेगा, और ना सिर्फ उठेगा बल्कि यह कांग्रेस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक तरफ तो जब सीके राहुल जी को इनामित किया जाता है और उन्हें टिकट दिया जा रहा है गोधरा से, आप उस मुद्दे को उठा रहे हैं। आप बिल्किस बानो के मुद्दे को उठाते हैं जब उन 11 गुनहगारों को रिहा कर दिया जाता है, मगर जगदीश टाइटलर, उस बारे में आपका क्या कहना है? और ना सिर्फ कांग्रेस से बल्कि मैं गोदी मीडिया से सवाल करता हूं। मैं मुकेश अंबानी के न्यूज 18 से सवाल करना चाहता हूं कि आपने जगदीश टाइटलर का मुद्दा उठाया, अच्छी बात है, उठाना भी चाहिए, मगर क्या आपने सीके राहुल जी का मुद्दा उठाया? जिस तरह से मुकेश कुकरानी की बेटी को नरोदा पाटिया से टिकट मिला है, यह खबर आपके सामने है, क्या मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल ने उसे उठाया? यह सवाल है। क्योंकि देखिए, आप कांग्रेस के खिलाफ सुपारी लेकर यह काम नहीं कर सकते। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो पत्रकारिता कीजिए, सुपारी लेकर मत चलिए।
इस मंच पर कांग्रेस ने गलत किया, जगदीश टाइटलर को अपनी समिति में शामिल किया, वो मुद्दा हम उठा रहे हैं यहां न्यूज क्लिक पर। मगर क्या सीके राहुल जी का मुद्दा, और जिस तरह से बिल्किस बानो के गुनाहगारों को बीजेपी इनामित कर रही है, क्या अमित शाह पर मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल ने सवाल खड़ा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल खड़ा किया, ये मुद्दे हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता और ये वाजिब मुद्दे हैं। आइए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, हम ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, हम यानी कि जनता, हम सब प्रण लें कि हिंसा फैलाने वालों को समाज में शामिल ना किया जाए, उन्हें मुख्य धारा का हिस्सा ना बनाया जाए, कानून के अंतर्गत जो उन्हें सजा मिलनी चाहिए वो उन्हें सजा मिले, उनके गुनहगारों पर हम सफेद पेंट ना मलें, सफेद पेंट ना रंगें। होगा ऐसा? नहीं होगा, क्योंकि आपको धर्म और नफरत का ऐसा धतूरा चटाया जा चुका है कि आप उसी नशे में झूम रहे हैं, किसी दिन गड्ढे में गिरेंगे, हड्डियां टूट जाएंगी, तब होश आएगा, मगर तब बहुत देर हो जाएगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।